हेलो दोस्तों, ऊपर वाली वीडियो 39वें दिन की है। जो फर्स्ट डे हमने इनका वीडियो डाला था, तब हमने दिखाया था कि इनके कैसे बेबी हेयर्स आ रहे हैं। तब ये प्रोकैपिल सीरम लगा रहे थे और हेयर विटामिन्स खा रहे थे। सीरम तो इन्होंने एक महीने पे ही बंद कर दिया था, लेकिन हेयर विटामिन्स ही अभी तक खा रहे हैं। और आज देख सकते हैं इनका 70 दिन हो गए हैं और पहले से इनके बाल कितने ज़्यादा घने हो गए। और जो बेबी हेयर्स आ रहे थे वो भी आप देख सकते हैं, अब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, सबके सब बड़े हो चुके हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि कभी भी जब आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, सर में जगह जगह गंजा पर दिखने लग गया है, तो उसमें कोई भी हेयर ऑयल काम नहीं करता। सर के ऊपर से लगाने वाली चीज़ें खाली 20% ही काम करती है, 80% तो आपको इंटरनली इस प्रॉब्लम को सही करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छी डाइट और हेयर सप्लीमेंट्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। हेयर सप्लीमेंट टोटली सेफ होते हैं और ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बने होते हैं। हेयर सप्लीमेंट में होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मल्टी विटामिन्स हो, चाहे प्रोकैपिल सीरम हो, चाहे मिनोक्सिडिल हो, ये सब चीज़ें तभी तक काम करती है जब तक आपकी बालों की जड़ें बची हुई है। अगर एक बार आपकी बालों की जड़ें ख़त्म हो गई तो फिर कोई भी इसका इलाज नहीं है, फिर आपको हेयर सर्जरी ही करानी पड़ेगी। इसीलिए आपको शुरुआती स्टेज में जब आपके बाल झड़ने शुरू हुए उसी टाइम कदम उठाने पड़ेंगे। आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि महिलाओं के बाल तो चले जाते हैं लेकिन दोबारा से भी वापस आ जाते हैं, लेकिन पुरुषों में एक बार जब पैटर्न शुरू हो जाता है हेयर फॉल का, तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। आप अपने घर में देख लीजिए, चाहे रिलेशन में देख लीजिए, चाहे दोस्तों को देख लीजिए, 5 में से 3 लड़के तो आजकल हेयर प्रॉब्लम से जूझ ही रहे हैं। धीरे धीरे करके पता भी नहीं चलता कि कब उनके सर के बाल आधे हो गए। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर विग लगाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम अच्छी डाइट लें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस कम से कम लें, तो हमारे हेयर प्रॉब्लम कभी आएंगे ही नहीं। थोड़े बहुत तो बाल टूटते ही रहते हैं, उतना तो हमारे दोबारा भी आ जाते हैं। मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की तब ज़रूरत है जब आपके बाल टूटे ज़्यादा और आए कम। आज से एक काम सबको करना है कि केमिकल वाले शैम्पू और हेयर ऑयल लगाना छोड़ दें, जहाँ तक हो सके नेचुरल प्रोडक्ट लगाएं, ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये सप्लीमेंट और हेयर ऑयल मंगाने हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देते हैं, आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं।